गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार की नीति के कारण कोरोना संक्रमण कंट्रोल हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कोरोना की चेन तोड़ने में सब कारगर भूमिका अदा करें। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर जिले की कानून व्यवस्था और कोविड 19 के संबंध में बैठक ली। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की बैठक में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले और प्रदेश में हर हाल में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के बारे में सभी अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण कम हो इसमें सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा सरकार अब कोरोना के शिकार पत्रकारों का इलाज करवाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां सरकार ने प्रदेश में कर ली हैं। उन्होंने बताया कि जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, कोविड वार्ड बन रहे हैं, पलंग भी बढ़ाए जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सुधार है और इसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी राहत की बात है। 9% पॉजिटिविटी रेट आ गई है हमारी और वेंटिलेटर, इंजेक्शन सभी पर्याप्त उपलब्ध है। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, कहा गया है 5% से कम करें। एक प्रश्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क पूरा इलाज कोरोना अगर उनको होता है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, अधिमान्य है या नहीं है, सभी का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।